गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके एक्सीडेंट का पूरा ट्रीटमेंट जब हो रहा रहता है तो उसी ड्यूरेशन में वो एक नई लड़की से मिलती है, जिस लड़की का नाम रहता है अद्रिका। अतरिका से मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो एक एक तरीके से अटैच हो जाती है जब फर्स्ट टाइम उसे देखती है। सेकंड टाइम उसे मिलने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जब सेकंड टाइम वो उसे मिलती है तो वो उसे ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो जो लड़की है वो हैंडीकैप्ड है और वो व्हील चेयर में बैठी है, और वो उसे फेंट हो जाती है। इवन वो उसको एक सवाल कह रही थी कि तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो। ये बात सुनकर अद्रिका भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि किस टाइप की मेंटालिटी है। फिर उसे समझ में नहीं आता है, और उसे चोट भी लगी रहती है तो वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पर अपनी नर्स को बोलते हैं कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अतरिका यहाँ पे क्यूरियस रहती है कि किस टाइप की बंदी है, क्या है या है, और ये इतनी सी बात पे फेंट कैसे हो गई है। तो अपने डैड से जाके बात करती है, और पर्सनली डैड को कहती है कि यूजुअली आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करती हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं इंटरेस्ट लेना चाहती हूँ इस बंदी को। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम डायरेक्ट अपना प्रोफेशन शिफ्ट कर रही हो, मतलब तुम अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मतलब बड़े लोगों को साइकोलॉजिस्ट में बनना चाहती हो। तभी वो कहती है नो, मैं इसको पर्सनली ट्रीट करना चाहती हूँ, नॉट ऑफिशियली वे में। तो उसके डैड बोलते हैं अगर कर पाओ तो ठीक है, वैसे वो अपना ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहती है। तो ये बात सुनकर अद्रिका को थोड़ा सा और क्यूरियस होता है कि ऐसा क्या बात है जो ये सबसे हाइड कर रही है। ये सोचकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब इसके आगे जब वो वहाँ से निकलती है तो वो वहाँ पर डायरेक्ट वहीं पर जाती है कि जहाँ पर ईरा जो रहती है वो एडमिट रहती है, वो वहाँ जाती है। जैसे वो ईरा के पास जाती है तो वहाँ पर वो नर्स को पूछती है यहाँ जो लड़की थी वो कहाँ गई। तो कहती है पता नहीं मैम, वो अजीब सी लड़की है, जब जब उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वो थोड़ा फ्रेंड थी, और अभी उठी, उठ के थोड़ा सा हाइपर हुई, उसके डैड है, वो डैड के हक करी और डैड को बोलने लगी मुझे बस यहाँ से लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। और उसके डैड एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर मेहरा है, उनके यहाँ डॉक्टर मेहरा से ट्रीटमेंट कराने आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसके डैड भी उसे लेकर चले गए। मुझे तो थोड़ी सी पागल ही लगती है वो, नर्स एकदम से बोलती है। ये बात सुनकर जब अद्रिका नर्स की तरफ देखती है तो काफ़ी घूरते और गुस्से में कहती है कि यू डोंट हैव अ राइट टू जज एनीवन, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पहले तुम वो जानती नहीं हो और तुम उसे डायरेक्ट पागल कह रही हो, ये हक तुम्हें किसने दिया। ये बात उसके चेहरे से ऐसे मतलब देखकर ही पता चलती है। तो नर्स भी काफ़ी समझ जाती है कि अद्रिका मैम क्या बोल रही है, तो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अद्रिका यहाँ से डायरेक्ट बाहर की तरफ जाती है और वो अपने डैड से फिर से मिलती है और कहती है कि वो चली गई। तो कहते यही हो रहा है उसके साथ, मुझे नहीं पता उसे क्या है, लेकिन ये कुछ रिपोर्ट्स है उसकी, इससे तुम्हें देख के पता चलेगा। तो उसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा मतलब देख के स्ट्रेस की वजह से उसका ब्रेन वीक हो रहा है, आगे उससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बट उसकी नसें बहुत वीक हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो क्या करना है। तो कहती है कि डैड वैसे तो यूजुअली मुझे कभी किसी पे इंटरेस्ट आता नहीं है, बट मुझे आ रहा है इस पे इंटरेस्ट, बिकॉज इसने इसकी मेंटालिटी मुझे जानना है। तो तभी उसके डैड खड़े होते हैं, बोलते हैं अद्रिका व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम यहाँ पर कुछ मोटिव से हो तो तुम क्यों मतलब इस पे वेस्ट कर रही हो टाइम, जस्ट डू व्हाट यू वांट। तो कहती है डैड यू नो व्हाट, शी कम्स टू मी एंड शी स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मी एंड सेड व्हाट्स योर नेम। तो मैंने उसे बताया कि अद्रिका, और वो कहती है कि मुझे आपसे ही मिलना था और आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आप इतने खुश कैसे रहते हो, उसने मुझसे ये सवाल पूछा। देन जब मैंने उसे टेबल से अपने पास आया तो वो मुझे बोलती कि हैंडीकैप्ड होने के बाद भी तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो, और ये सवाल देख के मैं काफ़ी गुस्सा हुई और मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरी चीज़ों को हैंडीकैप्ड से गिने। तो वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, और सडनली से जब मैं उसकी तरफ देखी तो वो खुद ही फेंट हो गई। आई एम कम्प्लीटली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ हर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है पापा। तो
तो कहते पता नहीं बेटा, लेकिन जहाँ तक उसके हस्बैंड से मैंने बात करी थी, उसके हस्बैंड भी बोल रहे थे कि वो आजकल बहुत अपसेट रहती है, साइलेंट रहती है, कुछ तो है। तो कहती है कि मुझे वही जानना है। आई नो मैं आउट ऑफ द बॉक्स होकर उसकी मदद करना चाहती हूँ, बट ये मेरे मेरे लिए एक एक नई चैलेंज है। और व्हेन इट्स कम टू द चैलेंज यू नो दैट आई लव इट। तो अचरिका बोलती है, तभी उसके पापा बोलते हैं डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प हर देन गो अहेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प हर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड शी ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प हर सेल्फ। क्या वो खुद की मदद करना चाहती है? तो अतरिका जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि दैट मुझे नहीं पता वो खुद की हेल्प करना चाहती है या नहीं, लेकिन वो करेगी, मुझे उससे मिलके बात करनी पड़ेगी। पर मैं कैसे बात करूँ? तो कहती है कि वो तो चली गई है, लेकिन उसे अपने स्ट्रिचेस कटवाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। उसके डाट को मैंने कहा है 1 या 2 दिन के गैप से लेकर आइएगा, तो देखते हैं। तो ये बात सुन के अद्रिका बोलती है ओके। तो अद्रिका जैसी बाहर निकलती है तभी वहाँ से एक नर्स आती है, कहती है मैम आपको बच्चे बुला रहे हैं। तो अद्रिका अपनी सारी चीज़ों को साइड करती है और फेस पे वही स्माइल, क्यूटनेस, चेहरे पे वही रौनक, चेहरे की वो प्यारे से 2 छोटे छोटे डिम्पल्स उसके फेस पे आते हैं स्माइल करते हुए। और वो यहाँ से चुपचाप बच्चों के पास वहाँ चली जाती है। वो वहाँ जाती है और बच्चों के साथ खेलने कूदने रहती है। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो अपने डैड के साथ जब घर आती है तो उसके डैड पूछते हैं व्हाट द हेल चल क्या रहा है बेटा तुम्हारे साथ, कुछ है क्या, क्या कोई चीज़ तुम्हें डरा रही है, समथिंग इज हैपेंड, आई मीन टेल मी, अगर तुम्हारा साथ कुछ बुरा किया है आरफ ने, या उसके फैमिली वालों ने कुछ बुरा किया है, या समथिंग इट्स हैपेंड एंड यू आर जस्ट हाइडिंग थिंग्स विद अस, टेल मी क्या हुआ है। देखो मैं तुम्हारा डैड हूँ, बचपन से मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, तो मुझे बताओ तो सही कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें हर्ट कर रही है, आई मीन कुछ हुआ है क्या? तो उसकी मम्मी कहती है कि अतरिका सॉरी ईरा तो मुझे ये बताओ क्या हो गया है। ईरा क्या हो गया बेटा, 6 महीने पहले तुम ऐसी नहीं थी, देखो तुम सूखती जा रही हो, तुम खाना नहीं खा रही हो, तुम्हारी बॉडी कितनी पतली होती जा रही है, अंदर ही अंदर किस बात का घुट रही हो तुम, हम तुम्हारे मॉम एंड डैड हैं, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो गिव मी द रीज़न, अगर तुम आरफ के साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, हम चाहें तो तुम डिवोर्स भी ले लेना, पर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा क्यों अंदर ही अंदर घुट रही हो, क्या प्रॉब्लम है? तभी उसके डैड बोलते हैं क्या बात कर रही हो तुम, आरव एक अच्छा लड़का है, क्यों क्यों डिवोर्स लेना है, उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। ये बात सुन के ईरा वहाँ से अपना रूम पर चली जाती है। ईरा एक ओनली चाइल्ड रहती है, मतलब उसके कोई सिबलिंग्स नहीं रहते हैं, और वो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन रहती है कि अपनी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती और किसी को पता भी नहीं पाती कि वो क्या फील कर रही थी। तभी यहाँ से उसकी मॉम रूम के अंदर जाती है और बोलती कि बेटा क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, कोई ज़बरदस्ती हुई है, चोर ज़बरदस्ती चल रही है। तो वो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती कुछ नहीं हुआ है मॉम, मैं ठीक हूँ, आप मेरा थोड़ा सर में पेन है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। ये बोलकर यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो सो जाती है। उसके डैड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्न वहाँ पे कोई और था, तो वो थी अतरिका। उसके दिमाग में अलग तरीके से ईरा बैठ चुकी थी। वो उसका एकदम से हंसते हुए बोलना कि तुम इतनी खुश कैसे हो, और फिर उसको व्हील चेयर में देख के फेंट हो जाना, ये बात अतरिका के भी दिमाग से जा नहीं रही थी। अतरिका समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, अतरिका बस जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ है। तभी वो अपने डैड को बोलती है कि डैड प्लीज़ उनके पेरेंट्स से एक बार फ़ोन लगा के पूछो। तो डैड बोलते मैं पूछूं? तो वो कहते हैं कि नंबर तो होगा ना आपके पास उसके पापा का या किसी का। तो कहते हैं उसके हस्बैंड का है दू क्या? तो वो कहती नहीं नहीं मुझे किसी के हस्बैंड से टॉक करने की नहीं है, और मे भी हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड से ही परेशान हो,
और इस वजह से वो थोड़ी सी टेंस हो, तो कहती है कि नहीं हस्बैंड तो काफ़ी कंसर्न लग रहा था, उसके डैड कहते हैं, तो कहते हैं उसके फादर आए थे, उसका नंबर है क्या? तो कहते हैं फादर, हाँ फादर एक प्रोफेसर हैं, तो एक कार्ड देकर चले गए थे हैं, वेट मेरे पॉकेट में होगा, हाँ ये रहा। तो कहती है थैंक यू डैड, और ऐसे बोल के अधिका वहाँ से वो फ़ोन लेती है, मतलब कार्ड लेती है, और वो फ़ोन नंबर जो लिखा रहता है उस पर डायल करती है, तो वहाँ से एक फ़ोन बजता है, और वो फ़ोन उठाते हैं उसके डैड, और मतलब ईरा के डैड उठाते हैं, ईरा के डैड बोलते हैं कि हेलो, तो वो बोलती है कि हेलो मैं एक्चुअल में अधिका मेहरा कह रही हूँ न्यू लाइफ हॉस्पिटल से। तो वो कहती है कि हाँ मैम बोलो ना। तो कहते कि आपकी बेटी ठीक है ना, आई मीन शी इज़ ओके। तो कहते कि हाँ अभी तो ओके ही है, बट उसको ना सर पे बहुत ज़्यादा पेन ही होता रहता है। तो वो कहती है कि एग्जैक्टली मैंने भी उसकी रिपोर्ट्स चेक करी है, तो उस वजह से मुझे पता चला कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? क्या आप मुझे ईरा को मेरे पास लेकर आ सकते हैं? मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो किस चीज़ का स्ट्रेस ले रही है। तो तभी उसके पापा बोलते हैं, मैंने भी उसको यही बोला कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, डॉक्टर के पास चलना है तो चलते हैं, बट वो कुछ बताना ही नहीं चाहती है। ऐसा हमारी बेटी कभी नहीं थी, वो हंसते खिलखिलाने वालों में से थी, पर पता नहीं क्या हो गया है, वो आजकल बात ही नहीं करती है, और उसका वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुट रही है। तभी एकदम से उसकी जो मॉम रहती हैं वो फ़ोन ले लेती हैं ईरा की, और बोलती हैं देखो मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है डॉक्टर, प्लीज़ फाइंड आउट द रीज़न, वो ऐसी नहीं थी, आप उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो हंसते खिलखिलाती थी, वो टॉपर थी अपने कॉलेज की, और वो उसको ना मस्ती मजाक करना, प्लैंक करना, मस्ती करना, इंजॉय करना सब पसंद था, बट शादी के बाद से वो पूरी बदल सी गई है, गुमसुम रहने लग गई है, बात ही नहीं करती है, पता नहीं क्या हो गया है डॉक्टर। तभी वो बोलती है कि मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है आंटी, और मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ होने के हिसाब से आपको कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। हालांकि वो जब मुझसे मिली थी तो मुझे भी उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहे हैं। तो कहती है कि तो क्या करना है बेटा? तो कहती है कि आप उसे कल लेकर आएंगे हॉस्पिटल, तो मैं उससे मिलकर बात करना चाहूँगी, अगर कोई इशू ना हो आपको तो। तो कहते कि हाँ हाँ मैं लेकर आऊँगी, आप टेंशन मत लो। तो कहती हैं ठीक है, तो कल 10 o'clock, 10 o'clock पे आप मिलते हैं। तो कहते हैं उसके स्टिचेस भी ओपन कराने थे, तो कहते हैं हाँ आप 10 o'clock पे उसे ले आइएगा, तो स्टिचेस भी ओपन हो जाएंगे, सब हो जाएगा। एंड आंटी मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था, उसे मत बताइएगा कि आप मेरे पास उसे लेकर आ रही हैं, प्लीज़। तो वो कहती है क्यों बेटा, उसे क्या होगा? तो कहती है पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई डॉक्टर की हेल्प नहीं लेना चाहती है, तो मैं भी यही चाहूँगी कि आप उसे प्लीज़ लेके ना बताएं। तो ये बात सुनती है वो, तो कहती है ओके ओके मैं नहीं लेके जाऊंगी। ईरा यहाँ पर अपने ही ख्यालों में गुमसुम रहती है, उसे वही चीज़ याद आती है कि जब उतनी खूबसूरत लड़की को देखा उसने, और वो व्हील चेयर में देख के फेंट हो गई, वो एक ही चीज़ को सोच के उसके सर पे इतना दर्द हो रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। फिर उसके मॉम आते से ही उसको टैबलेट देती है, और वो रिलैक्स होकर वो सो जाती है। रात शाम को काफ़ी जब लेट वो उठती है, तो वो उठती है तब उसकी फ्रेंड तानिया आती है उसे मिलने के लिए, और कहती है कि स्टुपिड क्या हो गया था तुझे? तो कहती है या मैंने तो सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बट मैं मरी नहीं, और मैं फालतू की जिंदा रह गई। ईरा जब जैसी ये बात कहती है, तानिया उसके गाल पे एक जम के थप्पड़ मारती है, और कहती है तू पागल है क्या, किस तरीके की बातें कर रही है तू, तू सच्ची में मेंटल हो गई है, तुझे तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम गुड। तो वो कहती है नो यू आर नॉट, लुक एट यू, तेरी हालत कैसे हो गई है, और तू किस तरीके से मरने की बात कर रही है, देख मुझे नहीं पता किस बात को तू हाइड करके बैठी है, क्या ऐसी चीज़ है जो तुझे अंदर ही अंदर घुट रही है, बट टेल मी। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं आज एक डॉक्टर से मिली थी तानिया। तो वो बोलती है ओके,
पता है उसको देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई। वो ना बच्चों के साथ खेल रही थी और उसके ना हाथ में बैलून्स थे, एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट, मस्ती करते हुए एकदम हंसते खिलखिलाते हुए जा रही थी, फिर मस्त लग रही थी। फिर मैं जब उससे मिली तो वो व्हील चेयर पे थी। उसे देख के मैं बेहोश हो गई, मुझे बस इतना याद है। तभी तान्या कहती है, वो व्हील चेयर में होने से तू बेहोश कैसे हो गई? तो कहती, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। अब यहाँ पे तान्या भी काफी ज्यादा कंसर्न हो जाती है और वो कहती है, ठीक है अभी तू रेस्ट कर, तेरे मैं बाद में मिलती हूँ तुझे। तान्या यहाँ से बाहर जाती है और बाहर जाकर अपनी आंटी से मिलती है और आंटी से बोलती है कि आंटी आपको बताया इसने कि इसके साथ क्या हुआ है? तो वो बोलती है, बेटा मैं तो तुम्हें फ़ोन करके पूछने वाली थी, तुम उसकी फ्रेंड हो, शायद हो सकता है उसने तुम्हें बताया हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो हमसे शेयर नहीं कर सकती तो वो शायद तुमसे शेयर करे, तो इसलिए। तो कहती है, आंटी मुझे खुद नहीं पता उसके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रही है, वो क्या चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता। तो कहती है, एक अतरिका नाम की डॉक्टर है, उसने मुझे कल बुलाया इसको लेके। डॉक्टर का नाम लेकर ही तो ये भाग रही है, कहाँ से आप लेके जाओगे? तो कहती कल उसके स्ट्रिचेस ओपन कराने तो वहाँ लेके जाएंगे। तो तानिया बोलती है, ठीक है मैं देखती हूँ, और ऐसे बोल के तानिया भी वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा की मॉम होती है वो खाना वाना बनाती हैं और उसे देने के लिए जाती हैं। तभी आरफ भी घर पे आ जाता है और आरफ अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है। तो आरफ को देख के ईरा कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि, तभी आरफ कहता है, तुम ठीक तो हो? और उसके फोरहेड पे किस करता है। तो ये बात ईरा को अच्छी नहीं लगती और ये चीज़ नोटिस उसकी मॉम कर लेती है कि ईरा को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो तभी आरफ बोलता है कि, ईरा तुम ठीक हो? कल तुम्हारे स्ट्रिचेस ओपन कराने मैं चलूँगा और उसके बाद हम अपने घर चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ईरा कुछ बोल ही नहीं पाती है अपने पति की तरफ और सिर्फ देख रही रहती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि, आरव बेटा मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन ये हमारे साथ रुक जाए, मतलब वैसे भी यूजुअली ये आती तो है नहीं है, 6 महीने की शादी हो गई है और एक बार भी ये हमारे घर में कुछ दिन रुकने भी नहीं आई है। माना कि इंदौर के इंदौर में तुम्हारी शादी हुई है, तो ऐसा है कि तुम सुबह छोड़ के जाते हो, शाम को लेके चले जाते हो, बट कुछ दिन इसका भी तो मन करता है ना हमारे घर पे रहने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है मेरे साथ रहिए। तो आरफ कहता है, मॉम लेकिन थोड़ा दिन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? तब इसके डैड कहते हैं, क्यों बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या मेरी बेटी सिर्फ आपके घर के काम करने के लिए बनी हुई है? थोड़े दिन उसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है, वो यहीं रुकेगी थोड़े दिन। जैसे ही ये बात आरफ सुनता है तो कहता है, नहीं नहीं पापा काम के लिए तो नहीं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है आप अब रहेगी वो थोड़े दिन, कोई इशू नहीं है। आरफ यहाँ से बोलकर जा ही रहा रहता है, तभी उसकी मम्मी कहती है, तुम हमारे घर के दामाद हो बेटा, आए हो तो खाना खा कर जाओ। तो कहता है, नहीं नहीं मम्मा मैं भूख नहीं थी मुझे, मैं बस जाता हूँ, ऐसे कह के चले जाता है। तभी आरफ को एकदम से फ़ोन आता है और वो उसकी मॉम का रहता है, आरफ की मॉम का। वो कहती है कि, कहाँ है तू, अभी तक अपनी बीबी को लेकर नहीं आया, तुझे दिख नहीं रहा है क्या अकेले सारे काम मुझे करने पड़ते हैं? बीबी है, बहू है या क्या है, सारे काम, कभी कुछ बीमार हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, जब देखो मैं ही सारे काम करती रहती हूँ। उसे कदर है कि नहीं, उसे समझ में नहीं आता है क्या कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पे उसकी जो सास रहती है वो कुछ ना कुछ बोले जा रही रहती है ईरा की, और यहाँ पे जो आरफ होता है वो चुपचाप सुनता है और बोलता है, मम्मा वो कल आ जाएगी, आप चिंता मत करो, मैं कल कैसे भी करके ले आऊँगा और आपको घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, ये बोल के वो फ़ोन काट देता है। तभी ईरा जो अपनी मॉम की तरफ देखती है तो स्माइल करने लग जाती है। तब उसकी मॉम उसका मतलब सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, तो तुम बोल सकती हो तुम्हें रुकना है, तुम्हें घर नहीं जाना है तो तुम्हें बोलते नहीं बना? तो वो कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप
अपने रूम पर चली जाती है। तब उसके डैड कहते हैं, ईरा खाना खा लो बेटा पहले। तो कहती है, पापा भूख नहीं है। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं थोड़ा सा सूप पी लो। और इस तरीके से वो उसे सूप पीने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर के बाद मतलब सब कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर, मतलब सब कुछ ऐसे ही रात भर ऐसे बीत जाता है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो ईरा के जो डैड रहते हैं वो ईरा को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो ईरा काफ़ी मना कर रही रहती है, पर उसके डैड कहते हैं, जो स्ट्रेचेस है बेटा वो तो खोलने पड़ेंगे ना, उसे खोले बिना कैसे चलेगा, तो वो खोल लो और आप ठीक हो जाओगे। तो वो कहती है कि पापा लेकिन, तो कहती है बेटा प्लीज़। तो वो यहाँ से जाते हैं उसके स्ट्रेचेस खोलने के लिए करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मेहरा जो मतलब डॉक्टर रहते हैं वो उसके रूम पर उसे लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मिस्टर मेहरा के रूम पर, वहाँ पर मिस्टर मेहरा नहीं बैठे मिलते हैं, तो वहाँ पर अतरिका मेहरा बैठी रहती है। और अतरिका अपनी कुर्सी को एकदम टर्न करती है और उसके सामने आके बोलती है, हाय ईरा। और उसके डैड भी सामने रहते हैं, तो वो बोलती हैं कि मैं पापा कुछ गलत कैबिन में आ गए लगता है, हमें दूसरे कैबिन में जाना था, मतलब मिस्टर मेहरा के यहाँ। तो वो कहती है, देविका कहती है, तुम सही जगह आई हो, पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तुम इतना डर क्यों रही हो और मुझे देख के तुम फेंट कैसे हो गई थी। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस। तो वो अंकल की तरफ इशारा करती है, अंकल आप को कोई इशू ना हो तो कैन आई टॉक टू हर, आप थोड़ी देर बाहर वेट कर सकते हैं। तो ऐसे बोलकर वो उठ के जा ही रहे थे, तभी ईरा होती है अपने पापा का हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं पापा यहीं पर रुको। तभी वो कहती है कि, तब अदरिका फर्स्ट टाइम ईरा का हाथ पकड़ती है, और जैसी वो पकड़ती है तो यहाँ पे ईरा को अजीब सा फीलिंग आती है और अपना हाथ को पीछे करने लगती है। तभी अदरिका कहती है, ओह सॉरी मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, बट मैं एक लड़की हूँ, तुम भी एक लड़की हो, कुछ बातें हमारे बीच में होगी, तो अंकल के प्रॉब्लम क्या है, हम एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ बातें क्लियर कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, लेट मी हेल्प यू आउट, व्हाई इट्स हैपनिंग टू यू, कैन आई नो। तो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ से उठ के जाने लगती है। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगती है, तभी वो थोड़ा आगे जाती है, तभी अतरिका उसके पीछे आती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती है, लिसन, देखो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बट मुझे जानना है क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो कहती है, अरे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है यार, मैं नॉर्मल हूँ, एक ही चीज़ को बार बार क्यों पूछ रहे हो, मतलब नहीं है मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स, आई एम गुड, ओके। और मेरे स्ट्रिचेस ओपन करने के लिए बोला गया था, तो प्लीज़ ओपन माय स्ट्रिचेस। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ईरा को अभी भी समझ में नहीं आता है कि अतरिका उसकी हेल्प करना चाहती है, तो वो वहाँ से जा ही रही रहती है। तभी फिर से अतरिका थोड़ा आगे जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, तभी उसे बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि तुम मेरे पास बार बार आके मेरा हाथ पकड़ना छोड़ दो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ और तुम्हारी इस कंडीशन की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और तुम इस कंडीशन में हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे घूम के मेरे सर पे चढ़ के मेरे पीछे पड़ जाओ। अरे नहीं चाहिए मदद, नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ तुम्हें खुद को अपनी मदद की ज़रूरत है और तुम मेरी मदद करोगे, तुम लगता है तुम कैपेबल हो किसी की मदद करने के लिए। ये सारी बातें ईरा नॉन स्टॉप तरीके से अतरिका को बोल देती है। अतरिका अपना हाथ छोड़ती है, अपनी व्हील चेयर को थोड़ा सा पीछे करती है और बोलती है, गेट आउट एंड नेवर, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तुम जैसी लड़कियां लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, गेट आउट, और इस हॉस्पिटल में तुम
कभी दिखाई नहीं दोगी। तुम्हारे स्ट्रेचेस ओपन करो और निकलो यहाँ से। अत्रिका का पहली बार जो बबली सा फेस मुस्कुराता हुआ उस गुस्से में कन्वर्ट होता है और उसकी आंखों में वो गुस्सा दिख रहा रहता है। तभी उसके पापा डर जाते हैं और पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं इसकी चीज़ों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये इसने ऐसी कुछ बोला। तभी अत्रिका वहाँ से एकदम से प्यून को बुलाती है, मतलब ऐसे रिंग करते हुए नर्स को, और बोलती है लेके जाओ उनको, लेके जाओ इनका जो भी फुल एंड फाइनल चीज़ें आज ही करो, आगे से कभी नहीं आनी चाहिए। यहाँ से लेके जाने के बाद उसके स्टिचेस ओपन होते हैं और अत्रिका सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सब कैंसिल करती है। वो किसी से बात नहीं करती है और क्योंकि एक हैंडीकैप पर्सन को अगर उसी की ही चीज़ों के लिए बहुत गंदे तरीके से बोला जाए वो हर्ट करता है। दूसरी तरफ जो ईरा होती है उसको समझाया जाता है कि तुम ये क्या क्या बोला, उसके डैड उसको सोचते हैं, लेकिन तभी मिस्टर मेहरा कहते हैं शी इज़ नॉट इन अ मेंटली स्टेज, बट हाँ आपको मेरी बेटी से इसको भी दूर रखना चाहिए। और वो एक्चुअली जेन्युइन में हेल्प करना चाहती थी बट ईरा इज नॉट इन दैट स्टेज टू बी हेल्प। ठीक है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और अगर उसने ये बोल दिया है तो आप ईरा को कभी यहाँ लेकर नहीं आ सकते हैं, तो आप जा सकते हैं एंड मुझे पैसे भी नहीं चाहिए आपके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, जस्ट गो। और ऐसे करके उसके डैड कह रहे थे, डैड एकदम से अत्रिका के कैबिन में आते हैं और उससे बोलते हैं आई ओके, तो अत्रिका कहती है डैड आई एम कम्प्लीटली फाइन, बस मुझे थोड़े टाइम अकेले रहने दो। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, इन लोगों की तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ऐसे में वो कैसे उसकी मदद करेगी और ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।